मालेगांव शहर को पानी सप्लाई करने वाले गिरना डैम और तलवाड़ा दोनों डैम भर चुके हैं। तलवाड़ा डैम जो है वो लबालब भर चुका और गिरना डैम आज 70% से ज़्यादा भर चुका है। इस ताल्लुक से अपने साथ इत्तेहाद टाइम्स से बात करने के लिए आज अपने साथ है मालेगांव शहर के MLA आसिफ शेख रशीद। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पानी इतना आ चुका है अपने, अब आगे पानी का क्या मंसूबा होगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मालेगांव शहर, मालेगांव तालुका और महाराष्ट्र के अंदर अच्छी बारिश इस साल हुई और अल्लाह का बहुत एहसान है कि पिछले साल भी मालेगांव शहर के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का आवाम को सामना नहीं करना पड़ा और अल्लाह का बहुत एहसान है कि अभी इस साल जो बारिश हुई है 71% गिरना डैम के अंदर पानी आ चुका। आज और आज की तारीख में चंकापुर में 66% पानी आ चुका है और मालेगांव महानगर पालिका की मिल्कियत का जो तलवाड़ा डैम है आज वो मुकम्मल तौर से भर के छलक चुका है और मैं समझता हूँ आइंदा साल के लिए मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अच्छी अगर प्लानिंग हम लोगों ने की तो हम लोग एक दिन गैप करके पानी दे सकते हैं या दो दिन करके पानी गैप करके दे सकते हैं और मैं समझता हूँ कि शहर की आवाम दो दिन गैप करके पानी अगर कॉरपोरेशन ने दी तो खुश रहेगी या एक दिन गैप करके भी रही तो भी खुश रहेगी क्योंकि आइंदा का हमको जो फ्यूचर प्लानिंग होता है अगर ज़्यादा गर्मी पड़ गई, ज़्यादा पानी सूख जाता है या सूखा पड़ जाता है तो इस हालात के अंदर मालेगांव शहरवासियों को कोई तकलीफ़ नहीं होना, इसके लिए प्लानिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब आइंदा करना चाहिए। मालेगांव शहर में पानी को लेकर सियासत हमेशा से गर्म रही है, आप पर और मेयर साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने तलवाड़ा डैम का पानी जो है वो दाबाड़ी गाँव को देने का ठहराव कर दिया है और उसको पानी देने वाले हैं, ये क्या मसला है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है कि प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को रोटी दो और ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरी करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमारे को तालीमात है कि सबकी ज़रूरत पूरी करो, लोगों की खिदमत करो और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, अल्लाह के हुक्मों पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। मालेगांव शहर एक मज़हबी शहर है और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर में सियासत ही इस तरीके की हमेशा की गई है कि किसी को भी बदनाम करके अपना मुफाद हासिल करने की सियासत आज तक की गई है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी चैनल की तरफ से मालेगांव शहर की आवाम को एक अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग पहले हालात को समझ लीजिए, मसला क्या है वो समझ लीजिए। मसला ये है कि तलवाड़ा डैम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत का है और चंकापुर डैम जो हुकूमत महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी है और वहाँ से हम लोगों को 350 MCFT पानी तलवाड़ा डैम के लिए छोड़ा जाता है। वैसे हमारा 1200 MCFT वहाँ से रिजर्व है मालेगांव शहर और तालुका का, लेकिन चंकापुर डैम से पानी तलवाड़ा डैम आते आते हमारे सितकरी भाइयों को भी उसमें दिया जाता है और यही शरायत के ऊपर पानी तलवाड़ा डैम तक आता है जो सितकरी भाइयों को पानी दिया जाता है। लेकिन हमारा जो रिजर्वेशन है, हमारा जो कोटा है वो 350 MCFT है और वो हम मुकम्मल तौर पर हर साल 350 MCFT पानी मालेगांव के लिए हम लेते हैं
और मालेगांव शहर की आवाम हम इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है, तलवाड़ा डैम को क्षेत्रीय महामंडल की 100 हेक्टर ज़मीन यानी एक हेक्टर का 2.5 एकड़ होता है, 100 हेक्टर ज़मीन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त, तो बाला साहेब थोरात महसूल मंत्री थे, दादा भुसे साहब ने, शेख रशीद साहब ने, हम लोगों ने उसका पाठ पुरावा करते हुए प्रपोजल को मंजूरी ली और वो तलवाड़ा डैम हमारा कैपेसिटी बढ़ाई गई है। हमारा कोठा नहीं बढ़ा पानी का, हमको 350 MCFT ही मिल रहा है आज सरकार की तरफ से। हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों ने हमारे देहातों मालेगांव के देहातों के लिए डिमांड की है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो प्रॉपर्टी है यानी जो तलवाड़ा डैम है उसमें से हमको इस्तेमाल करने दे, डैम इस्तेमाल करने दे, पानी नहीं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो ठहराव पास किया है बिल्कुल साफ तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि 350 MCFT पानी मालेगांव शहर का रिजर्व कोठे को हाथ नहीं लगाते हुए अगर हमारा डैम आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप सरकार से अलग पानी का मंजूरी लाइए और हमारा डैम यूज़ करिए। बात बिल्कुल साफ है, दूध और पानी की तरह बिल्कुल साफ है, अलग अलग है। 350 MCFT पानी मालेगांव को मिलेगा, उसमें 1 MCFT भी हम बाहर किसी को नहीं देंगे, ये साफ तौर पर ठहराव में लिखा हुआ है। अगर दाबाड़ी मतदार संघ को पानी देना है, दाबाड़ी के इलाके को पानी देना है, तो हमने बिल्कुल ठहराव में लिखा है कि आप अलग से मंजूरी आप गवर्नमेंट से लाइए पानी की, हमारा जो बर्तन है वो इस्तेमाल करने के लिए यानी तलवाड़ा डैम हम इस्तेमाल करने के लिए देने के लिए तैयार है, बिल्कुल साफ बात है। लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है कि हमारा अपना शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है और हमारे शहर की अपोजिशन पार्टियाँ, और अफसोस तो इस बात का होता है कि मालेगांव शहर के हमारे अपोजिशन में जो साबिक MLA है वो आलिम दीन भी है, वो मुफ्ती भी है, और वो उनकी ज़बान से हमारे आने वाली नस्ल को और शहर की आवाम को झूठ बोलकर उनका जहन ख़राब करने का काम, उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक बात है कि एक आलिम के ज़बान से निकला हुआ जुमला आवाम सच अगर मान रही है लेकिन असल में जो बात बोल रहे हैं वो उनके मुफाद में, उनको सिर्फ MLA की कुर्सी हासिल करने के लिए या कॉरपोरेशन का इक्तदार हासिल करने के लिए अगर आवाम को झूठ बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक बात है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर सियासत करिए, ज़रूर अपोजिशन करिए, लेकिन सच बोलकर अगर आप अपोजिशन करोगे तो मैं समझता हूँ कि सेहतमंद अपोजिशन होगी। लेकिन पानी के ऊपर जो हमारी शरीयत का क्या हुक्म है, हमारे दीन ने क्या हमें रास्ता बताया, अल्लाह का क्या हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या बताए हुए तरीके हैं कि आवाम की मदद करो, हिंदू मुस्लिम मत देखो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, ज़रूरतमंदों को उसकी ज़रूरत पूरी करो, खिदमत खल्क करो, अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं समझता हूँ फिर हमारे जैसे लोग अगर ये झूठ सुनेंगे, हमारी आने वाली नस्लें झूठ सुनेंगी, मैं समझता हूँ ये शहर के लिए बहुत अफसोसनाक बात है। तो शहर की आवाम से मैं बात बोलना चाहूँगा कि आप बहुत तजुर्बेकार लोग हो, मालेगांव शहर की आवाम के अंदर एक बहुत बड़ा तबका तालीम याफ्ता है, समझदार है, और आप खुद भी कॉरपोरेशन के वो डिपार्टमेंट जहाँ पर पानी का डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पर जाइए, या नगर सचिव डिपार्टमेंट जो होता है जहाँ पर ठहराव पास होते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, आप वहाँ जाकर वो ठहराव निकाल कर पढ़िए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा और शहर को कौन गुमराह कर रहा है ये बात भी समझ में आ जाएगी। मैं वापस आपके चैनल के ज़रिए
शहर की आवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस उम्मीदों के साथ आपने कॉरपोरेशन का इक्तदार दिया, आपने असेंबली का मुझको नुमाइंदा बनाकर भेजा है, मालेगांव शहर की आवाम के लिए हम लोग हर वो सरकार से, चाहे भाजपा की हो, शिवसेना की हो, कितनी भी बड़ी फिरका परस्त सरकारें हो, उसके लिए हमारे हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। अगर हमारा हक कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मालेगांव शहर की आवाम के लिए, हमारे हक के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लड़ने के लिए तैयार है। शहर की आवाम का सर झुकने नहीं देंगे, ये बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और आपसे यही अपील करता हूँ कि अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमारे इस साल में अल्लाह ने बहुत अच्छी बारिश हमें अता की, बहुत अच्छी बारिश हुई है और दोनों ही डैम हमारे अल्लाह का करम अच्छा पानी आ चुका है। आप लोग एहतियात से पानी वापरिए, एहतियात से पानी का इस्तेमाल करिए ताकि आइंदा हमें कोई दुश्वारी ना हो, ये बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये अपील करता हूँ। और यही मेरी बात ख़त्म करता हूँ। टाइम से बात कर रहे थे, मालेगांव शहर की सियासत तरक्की पे होनी चाहिए, मालेगांव शहर की सियासत जज्बाती नहीं होनी चाहिए, आवाम को तरक्की की राह पे ले जाना चाहिए, शहर को भी ले जाना चाहिए, उनका कहना था। इत्या टाइम्स में से बात करने के लिए मैं